आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कोरोना से पूरी दुनिया है त्रस्त, इससे निपटने के लिए वैक्सीनेशन के अभियान को किया गया तेज। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में अब तक करीब 99% को फर्स्ट डोज का हो चुका है वैक्सीनेशन। ऑक्सीजन के लिए यूपी हो चुका है आत्मनिर्भर, काबू में है कोरोना की तीसरी लहर। जनवरी को प्रेम प्रसंग में अवैध संबंधों के शक में शातिर पूर्व प्रेमी ने ग्लव्स पहनकर किया था जगह में दोनों युवकों की हत्या। हत्या में शामिल दो अभियुक्तों को जगह पुलिस ने किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त फावड़ा किया बरामद, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। वाहन चोरी में राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर वाहन चुराने वाले हाई प्रोफाइल वाहन चोर गिरोह के दो सदस्यों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की क्रेटा गाड़ी व 2 किलो 800 ग्राम नाजायज चरस किया बरामद, एसपी सिटी सोनम कुमार ने किया खुलासा। शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 399 केंद्र पर 19,385 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,279 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,773 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने नागरिकों से की अपील, कहा अपने नजदीकी सेंटर पर पहुंचकर अवश्य करवाएं वैक्सीनेशन। दो विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थल का सीडीओ ने किया निरीक्षण। प्रशिक्षण ना प्राप्त करने वाले कार्मिकों को दी चेतावनी, कहा जिन लोगों ने अभी नहीं प्राप्त किया है प्रशिक्षण वह लोग आकर प्राप्त कर ले प्रशिक्षण, नहीं तो उनके खिलाफ की जाएगी विधिक कार्यवाही। गोरखपुर में शनिवार को पाए गए 181 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में घट रही है एक्टिव केस की संख्या। अब एक्टिव केस की संख्या हुई 1,475। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और गोरखपुर में अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की बनी रहेगी स्थिति। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, अभी बारिश का पूर्वानुमान नहीं, धीरे धीरे खुलेगा मौसम और मिलेगी धूप भी।